देवांजलि मोइत्रा। टीम इंडिया लगातार अच्छा खेल रही है और इसी खेल की बदौलत पहले टी20 सीरीज में वेस्ट इंडीज का सफाया किया और अब वनडे में भी क्लीन स्वीप कर दिया। टीम एक तरफ जहां जीत की खुशी मना रही है, वहीं दूसरी तरफ टीम नंबर 4 को लेकर चिंतित है। टीम हर तरह के बल्लेबाज को इस नंबर पर आजमा चुकी है लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। ऋषभ पंत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। पिछले कुछ दिनों से पंत को लगातार नंबर 4 पर मौका दिया जा रहा है लेकिन वो कुछ खास प्रभावित नहीं कर सके हैं। पंत बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ खेल रहे हैं जो ना उनके लिए अच्छा है और ना ही टीम के लिए। अब तो उनके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सवाल भी उठने लगे हैं। अब तो लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि वो वनडे टीम में खेलने लायक ही नहीं है। बुधवार को ट्रिनिडाड वनडे में ऋषभ पंत ने एक बार फिर अपना विकेट विरोधी टीम को गिफ्ट में दे दिया। ऋषभ पंत पहले ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के फेर में अपना विकेट गवा बैठे। पंत शिखर धवन का विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए और पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के फेर में कीमो पॉल को कैच थमा बैठे। ऋषभ पंत के इस तरह से लापरवाही से आउट होने के बाद उनके खिलाफ फैंस ने मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी बल्लेबाजी पर सवाल खड़े किए। कई फैंस ने कहा कि पंत अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खासकर लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के लिए तैयार ही नहीं है। आपको बता दें, ऋषभ पंत को टीम इंडिया लगातार नंबर 4 पर मौके दे रही है लेकिन वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मैच में लगाए अर्धशतक को अगर छोड़ दें तो पंत ने नंबर 4 पर आकर निराश ही किया है। पंत को देख ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपने विकेट की अहमियत ही नहीं पता। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पंत सेट होने के बाद खराब शॉट खेलकर आउट हुए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में पंत ने अपना विकेट फेंका। इसके बाद वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी पंत ने क्रॉस बैट से शॉट खेल सेट होने के बाद अपना विकेट गंवाया। पंत को देख ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ एक स्टाइल में बल्लेबाजी करना आता है। वो श्रेयस अय्यर की तरह सिंगल डबल लेकर नहीं खेल सकते। पंत जिस तरह का खेल दिखा रहे हैं वो टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया देखते हुए उन पर ज्यादा दिन तक भरोसा नहीं दिखाया जा सकता और वो जल्द ही टीम से बाहर हो सकते हैं।